भारतीय अर्थव्यवस्था मंदी के दौर से गुजर रही है। जाहिर है कि राजधानी पर भी इसका असर पड़ रहा है और मुख्यमंत्री की चिंता भी बढ़ गई है। CTI यानी चैम्बर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज के सम्मान समारोह में पहुंचे मुख्यमंत्री ने कारोबारियों की बिगड़ी हालत पर चिंता जाहिर की। मुख्यमंत्री ने कहा कि हालात खराब हैं और अगर यही हाल रहा तो आने वाले वक्त में दिल्ली में लागू की गई मुफ्त योजनाओं पर असर पड़ सकता है। अपनी अर्थव्यवस्था की स्थिति है, अभी बहुत ज्यादा मंदी का दौर है। मैं आज भी बहुत सारे व्यापारी सुबह से शाम तक मेरे से मिलने के लिए आए थे, उनसे भी मैं बात कर रहा था। वो कह रहे थे 30%, 20%, 40% धंधा डाउन हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्दी अर्थव्यवस्था सुधरेगी ताकि आप लोगों का बिजनेस इम्प्रूव होगा। अभी आते टाइम मैं रास्ते में गाड़ी में सत्येंद्र जैन जी से भी यही बात कर रहा था। मैंने कहा ये जल्दी भी अर्थव्यवस्था नहीं सुधरी तो अपना टैक्स भी नहीं आएगा अगले साल, और हमने इतनी सारी अभी अनाउंसमेंट्स भी करी हैं तो वो टैक्स नहीं आएगा तो कैसे ये पूरी होंगी। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि मंदी के इस दौर में दिल्ली सरकार दिल्ली को राहत देने की पूरी कोशिश कर रही है। दिल्ली के अंदर तो कम से कम महंगाई का जमाना बहुत ज्यादा है, बिजनेस चल नहीं रहे, तनख्वाहें बढ़ नहीं रही, खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में सरकार ने कई सारे सुविधाएं तो जनता को दी हैं, तो दिल्ली के लोगों को थोड़ा सा पिंच कम हो रहा है। जैसे बिजली 200 यूनिट तक माफ़ कर दी, पानी भी माफ़ कर दिया, पानी के पुराने बिल माफ़ कर दिए, अब महिलाओं के लिए बस भी फ्री हो जाएगी और खूब बड़े स्तर के ऊपर दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर भी सुधर रहा है। केजरीवाल ने केंद्र सरकार से मंदी से निपटने के लिए सख्त कदम उठाने की अपील की। उन्होंने एक बार फिर दोहराया कि दिल्ली सरकार मंदी से निपटने में केंद्र को पूरा सहयोग देगी। मंदी पर मुख्यमंत्री की चिंता विपक्ष के लिए मुद्दा बन गई है। मनोज तिवारी ने केजरीवाल सरकार की मंशा पर ही सवाल खड़ा कर दिया। अब अरविंद केजरीवाल जी को ये जवाब देना चाहिए कि आपका हर साल 10-11 हजार करोड़ रुपया लैप्स हो रहा है, तो जिस प्रदेश का 10 हजार करोड़ से ज़्यादा लैप्स हो रहा है उसको कौन से टैक्स की चिंता है, ये दिल्ली की जनता को बताएं अरविंद केजरीवाल जी। और पूरे 5 साल में आपने ग्रीन टैक्स का एक पैसा भी यूज होते हुए नहीं देखा, ये आपको भी जानकारी है, हमको भी जानकारी है कि जो ग्रीन सेस टैक्स आता है 2 हजार करोड़ रुपया हो गया है, उसका तो आपके पास खर्च करने का एक आपने उपाय नहीं चलाया। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि मंदी के इस दौर में दिल्ली वालों को राहत देने के लिए वो पूरी कोशिश करेंगे। हालांकि विपक्ष लगातार दिल्ली सरकार की कोशिशों को चुनावी तामझाम बताकर नकारने में जुटा है।